بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين تمام तारीफें बुजुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा जिसकी जात में कोई शिकवा नहीं जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं बर खता से लारैब है। दरूद सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज बुराक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संगपारों ने गवाही दी सलाम उस पर के जिसके चांतारों ने गवाही दी दरूद उस पर के जिसके जिंदगी रहमत ही रहमत है दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों और पस्से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मकसद मोतबर खवातीन ये अल्लाह का बेपनाह फजल और करम एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने मुसलमान घराने में पैदा फरमाया और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने इस सरजमीन के 2000 से ज्यादा बातिल मजाहिब से बचाकर ईमान जैसी दौलत से सरफराज फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने रब की रुबूबियत रसूल की रिसालत और फिक्र आखिरत के लिए एक किताब कलामुल्लाह में इनायत फरमाई। अल्लाह का करोड़ करोड़ मरतबा एहसान है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों और पस पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मौजूद मोतबर खवातीन इस्लाम आए हुए नहीं इस्लाम को मुकम्मिल हुए हुए 1450 बरस का अरसा गुजर चुका। अब सवाल यह पैदा होता है यह उम्मत भी आखिरी यह नबी भी आखिरी जरूरत इस बात की है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने जिन जिम्मेदारियों से मुझे और आपको इस दुनिया में आखिरी में भेजा है वो जिम्मेदारियां मैं और आप कहां तक पूरी कर रहे हैं। और फिर माशरा और माहौल और हालात हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों को सताया जाना मसाजिद का मिसमार किया जाना मदरसों का तोड़ दिया जाना उलमाओं को जेलों में बंद किया जाना मुस्लिम औरतों और बच्चियों के साथ गलत हरकतें करना मुस्लिम नौजवानों को परेशान करना अजानों पर पाबंदी लगाना हुफाज को तंग करना नमाजों पर पाबंदी लगाए जाना यह कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। अजल से रहा है दुश्मन दौरे जहां जमा हमारा 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा
ये कोई नई बात नहीं है। सवाल क्या है, सबसे अहम तरीन, ये जो मेरी और आपकी जिंदगी है ना, जो रस्मन गुजार रहे हैं, एतेखादन ईमान के साथ नहीं बल्कि एक रस्म है, बस करते जाना है। जुमा है, जल्दी मस्जिद को आना है, बस बैठना है, आधा जहन बाहर रखना है, आधा जहन अंदर रखना है, कुछ सुनना है कुछ नहीं सुनना है, फिर निकल के बाहर जाना है, फिर वही तिजारत और कारोबार, वही दोस्ती, वही खाना पीना है। अब जबकि हालात इस मुल्क के इतने बदतरीन बना दिए गए, और ये हालात सिर्फ हिंदुस्तान की एक रियासत या एक मोहल्ला या एक खानदान के लिए नहीं, बल्कि जितने मुसलमान इस सरजमीन पर रहते और बसते हैं सबके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हमने देखा है ये बात भी, ये और बात है कि हमारे अंदर से एक तड़प और कसक खत्म हो गई, हमारे अंदर से एक दूसरे की मोहब्बत खत्म कर दी गई, हमारे अंदर से मोहब्बत और इख्वानियत का जो पैगाम था वह दूर कर दिया गया, हम सिर्फ मतलब परस्त और मफाद परस्त के लिए जीने के आदि बन गए। अब जब हमारे अंदर ये हालात आ गए तो दुश्मन हमको बहुत जमाने से पढ़ रहा था, उस वक्त से पढ़ रहा था जब नबी की नबुवत चल रही थी, दुश्मन हमें उस वक्त से पढ़ रहा था जब हमारी खिलाफत चल रही थी, दुश्मन उस वक्त से हमारी तारीख पढ़ रहा था कि आइम्मा का दौर चल रहा था, दुश्मन उस वक्त से हमारी तारीख पढ़ रहा था जब मुसलमान आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वाले बन गए थे, और फिर दुश्मन हमारी तारीख को आज तक पढ़ता रहा कि 1000 बरस का मौका अल्लाह ने इस मुल्क में दिया था हुक्मरानी का, इन्होंने कुछ काम इस्लाम का नहीं किया, बनाया तो ताजमहल बनाया, बनाया तो कुतुब मीनार बनाया, बनाया तो लाल किला बनाया, बनाया तो कोई और इमारत बनाई, इस्लाम का काम नहीं किया। अब दुश्मन अपनी साजिश को मुकम्मल करने पर आमादा हो गया, और हालात बदलते बदलते हमारे यहां तक ला दिए गए कि मसाजिद को मखफल कर दिया जा रहा है, कुफल डाल दिया जा रहा है, अजान नहीं दी जा रही है, वजू के जो है ना नल खराब कर दिया जा रहे हैं, पानी में जहर मिला दिया जा रहा है, और वो बेचारे मुसलमान तड़प के अपने घरों में जमात और नमाज का एहतमाम करते हैं तो उनको देशद्रोही का मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जाता है। ये हालात बनते बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये उम्मत है कि जो है अपने आप में तब्दीली लाना नहीं चाहती, यह उम्मत तब्दीली लाना नहीं चाहती। गौर करने की बात है जिजाने मोहतरम, हालात चाहे कुछ हो, हमको वो उसवा लेने की जरूरत है जो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया था। आओ जरा बात को शुरू करते हैं, इंशाल्लाह बात को शुरू करते हैं। जो हालात हमारे साथ आज बनाए गए, ये कुछ भी हालात नहीं है, इससे ज्यादा हालात तो पिछली कौमों के साथ चले, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कमजोरी का इयादा नहीं किया, कभी उन्होंने कुछ और आपस में रस्साकशी का ऐलान नहीं किया। इस सरजमीन की सबसे पहली शख्सियत जिसको अल्लाह ने नबुवत देकर के भेजा, नूह अलैहिस्सलाम, हर मुसीबत हर परेशानी के बाद क्या होने वाला है, दुश्मन समझता है कि ईमान वालों को पसवा कर दिया जाएगा, ईमान वालों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आओ कुछ नुकात देखते हैं इंशाअल्लाह जो हमारी तारीख से जुड़े हुए हैं, हमारी शख्सियत से जुड़े हुए हैं, हमारे ईमान से जुड़े हुए हैं, हमारे अकीदों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं और आप तमाशबीन बने बैठे हैं, आज हम लोग तमाशा देख रहे हैं, चय मगोइयां चल रही हैं, अरे ऐसा हो गया कते भाई, ऐसा हो गया कते भाई, ऐसा बोले कते भाई, उसको ऐसा करे कते भाई, अस्तग़फिरुल्लाह, या इस्लाम का शेवा नहीं है अज़ीज़ाने मोहतरम, ना बुजुर्गों के लिए है, ना नौजवानों के लिए है, ना इल्म वालों के लिए है, ना गैर इल्म वालों के लिए है, बल्कि इस्लाम अमली मैदान में देखना चाहता है कि तुम कर क्या सकते हो आकर। इस्लाम अमल का नाम है, बैठ के जो है ना इधर उधर की छाट देने का नाम नहीं है। ये गर्ज कहने का मकसद ये है कि आज जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसी तरीके से पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम ने जब लोगों के सामने बात को रखा और कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाहु अकबर,
एक पाक और सफाफ और साफ साफ नारा था जो उन्होंने सलात और सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बुलंद किया। तो कौम ने क्या किया भाई? कौम ने इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि सारे का सारा मुल्क और शहर नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में आ गया। नूह अलैहिस्सलाम तन्हा अकेले एक शहर और मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये हमको सिखाया गया। नबियों के वाकयात को कुरान में रखने का मकसद क्या है? ये कोई किस्सा और कहानी है? रात को ख्वाब देख लिया, दिन में लिख दिया? नौज बिल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम वाकयात को अल्लाह लोहे महफूज के अंदर महफूज करके रखा था, और एक बाद दिगर वाकयात को अल्लाह के नबी के सामने रखता गया। जब जब अल्लाह के नबी के खिलाफ मामलात होते गए दुनिया के अंदर, जब जब लोगों ने नबी के खिलाफ उकसाना शुरू किया लोगों को, तो एक एक नबी के वाक़े को अल्लाह भेजता गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों की ढारस बंधाता रहा। और इन्हीं वाक़यात को लेकर उन्होंने मामूली 313 होकर 1000 के लश्कर को धूल चटा दी थी। अल्लाहु अकबर, ये क्यों वाक़यात है दीदाने मोहतरम? अपील है आपके छोटे भाई की, जुमे के दिन आए तो बड़े ताकत और जोश और बलबले के साथ आना चाहिए। महसूस होना चाहिए कि आज आप एक बेहतरीन इस्लाम के सिपाही बनने जा रहे हैं, आप एक तरबियत लेने जा रहे हैं। उस तरबियत को लेकर के मैं घर में आऊंगा, मोहल्ले में आऊंगा, तिजारत में आऊंगा, मुल्क में आऊंगा, और ये तरबियत के जरिए से तमाम माशरे की गंदगी को खत्म करना। इस वजह से जुमा आना है, वरना जुमा बस अच्छे कपड़े पहन लेने का नाम, अतर लगा लेने का नाम नहीं है। दोस्तों आ गए, बैठ गए, आधी नींद में, आधा बाहर, आधा जागे, आधा ख्याल बाहर, आधा अंदर रख करके नहीं है। मख्तसर यह है कि नूह अलैहिस्सलाम को सताया गया, नूह अलैहिस्सलाम का कसूर क्या था? उन्होंने यही कहा कि बाबा, जो हाथों के बुत बना बनाकर जो तुम अपने आप को खुदा मनवा रहे हो, ये खुदा तुम्हारे नहीं हो सकते, वो अल्लाह तुम्हारा भी है और हमारा भी है, वो एक अल्लाह पर ईमान लालो कामयाब हो जाओगे। जब ये नारा नूह अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया तो सारी की सारी कौम उमड़ पड़ी और नूह अलैहिस्सलाम को मारने लगी। मुश्किल हालात पैदा हो गए। हर मुश्किल के बाद क्या होने वाला है, ये जिंदगियों से हमें मिलता है। वक्त गुजरता रहा, लोग बढ़ते रहे। कितने साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की? आज मैं और आप दो दिन, एक दिन, आधा घंटा, एक घंटा किसी को अगर समझा लिया तो यूं समझो कि बहुत बड़ा पहाड़ हमने उतार के फेंक दिया। नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक लोगों के दरमियान में थे। 950 बरस मामूली बात नहीं है। और 950 बरस में 120 या 150 लोग नूह अलैहिस्सलाम के हाथ में ईमान कबूल करते हैं, सारा का सारा मुल्क है की तरफ। तो क्या नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी तादाद को देख करके, बड़ी ताकत को देख करके, उस वक्त के राजा महाराजा को देख करके, उस वक्त के बड़े ताकतवर मालदार लोगों को देख करके अल्लाह का पैगाम पहुंचाना रोक दिया था? नहीं, हरगिज़ नहीं, काम चलता रहा। और फिर वो वक्त भी आया कि कश्ती बनाई गई, कश्ती में सवार कर लिया गया, अल्लाह ने बड़ा तूफान ले आया और उस तूफान के जरिए से ईमान वालों को बचा लिया गया। जो नूह पर कलमा पढ़कर ईमान लाए थे, एक अल्लाह को मान चुके थे, जब वो लोग बच चुके जितने दुश्मन थे इस्लाम के, अल्लाह ने सबको तबाह कर दिया। नूह की आंखों के सामने गर्क कर करके मारा, यहां तक के आपकी बीवी और बेटे को भी सामने गर्क होता हुआ देखते रहे। तो पता चला कि हर मुश्किल के बाद कोई एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। यह बुत परस्ती का निजाम दम तोड़ने वाला है, एक अल्लाह का कानून चलने वाला है, अल्लाह की बात इस सरजमीन पर मनवाई जाने वाली है। शर्त यह है कि जब मुश्किलात आ जाएं तो अपने आप को मुस्तहकम रखो। नूह अलैहिस्सलाम और उनके कौम ने अपने कौमों को पैरों को डगमगाया नहीं, हाय अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या किया जाए, अब क्या होगा हमारा, ये नारे बुलंद नहीं किए, बल्कि दुश्मन की आंख में आंख डालकर कलमे तौहीद पढ़ते रहे और एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देते रहे, ता वक्त है कि उन्हें खतल ना कर दिया जाए। आज भी यही हालात हमारे साथ है। मुल्क में तौहीद का काम चल रहा था, किसने बंद करवाया, किसने बंद करवाया, कौन सपोर्टर था उनका,
कौन हमारी कमजोरियों को उन तक पहुंचाया? तुमको कुछ नहीं मालूम, अभी बहुत सारी चीजें मालूम होना है तुमको, तो बताना भी जरूरी है, मालूम करना भी जरूरी है। आओ उठो तो सही, कभी इस्लाम की ताईद में खड़े रहो। वक्त बदलता रहा, एक नबी को अल्लाह ने मुश्किल हालात के बाद कामयाबी अता फरमा दी। मैं दूसरे नबी का तस्करा करूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनका सारे का सारा मुल्क तौहीद से नावाकिफ, शिर्क के दलदल में डूबा हुआ, खुद आपका बाप नमरूद के दरबार का आला आदमी आजर शहरा उर, उस मुल्क का बादशाह नमरूद तमाम तर शिर्किया निजाम को चला रहा है, और अल्लाह की धरती पर, अल्लाह की जमीन पर लोग अल्लाह का खाकर किसी गैर की पूजा में लगे हुए थे। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने एक मर्द आहन को पैदा किया, एक ताकतवर आदमी को पैदा किया। ऐसे जुमले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए कि दुश्मन ढेर हो गया, दुश्मन परेशान हो गया, और मुश्किलात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी कर दी गई। इतनी खतरनाक मुसीबत मुश्किलें कि मुल्क में रहते हुए मुल्क बदर कर दिया जा रहा है। बाप मदद के लिए तैयार नहीं, खानदान मदद के लिए तैयार नहीं, दोस्त अहबाब मदद के लिए तैयार नहीं, जो है पड़ोसियां मदद के लिए तैयार नहीं, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं। अकेली एक शख्सियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे मुल्क से लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हो गए। मकसद क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? उन्होंने भी यही कलमा बुलंद किया, क्या कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कभी आग में डलवा कर बचा लिया, कभी नमरूद के दरबार में कत्ल होने से बचा लिया, कभी मुसीबत को आने से बचा लिया। हर जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है ना अल्लाह ताला हिमायत करता रहा, उनकी ढाल बनता रहा। और चश्मे फलक ने इस मंजर को देखा कि सारी दुनिया तौहीद परस्त के दुश्मन बन जाए, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, बशर्ते कि वो सही तौहीद परस्त हो। तौहीद का नाम लेकर दुनिया को अपने सीने में बचाकर बना बसाकर जीना, ये कौन से तौहीद परस्त की निशानी है? गर्ज कहने का मकसद ये है कि हर मुश्किल के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो मुकाम और मर्तबा अता किया और कहा ये मेरा इब्राहिम अकेला है, लेकिन सारी उम्मत यही है। एक इब्राहिम को अल्लाह ने सारी उम्मत कहा। अल्लाह अकबर। गौर करो जिदाने मोहतरम, क्यों बता रहा हूं ये हालात, क्यों वाकयात, हालात बड़े तंग किए जा रहे हैं। आइंदा होगा ये कि आपकी तिजारत पर भी बात आने वाली है, आपके मिल्कियत पर भी बात आने वाली है, आपकी जात पर भी बात आने वाली है। आप जिस घर के अंदर आज इत्मीनान से बैठकर सुकून की सांस लेकर खुतबा सुनकर दो रकात नमाज अदा करके अल्लाह से अपनी मुश्किलात का हल लेकर जाने वाले हैं, कल इस घर पर भी मुसीबत आने वाली है, नोट करके रख लीजिए अच्छे तरीके से। लेकिन मेरे और आपके पास प्लान क्या है? कुछ तदबीर बनाई है हमने, कुछ सोचा है एक जगह बैठ के कि अल्लाह हालात बड़े कर्मनाक हो रहे हैं, इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? ना बुजुर्गों को ख्याल रहा, ना नौजवानों को ख्याल रहा, ना जिम्मेदारों को ख्याल रहा, ना घर की औरतों को ख्याल रहा। अब मासूम बच्चे तो बेचारे, मासूम बच्चे गेम खेलते खेलते जिंदगी गुजर रही है। आखिर इस कौम की रहबरी करे तो कौन करे? उठो, वक्त है, आज भी, आज भी वक्त है। मार लगने के बाद, पूरा प्रैक्टिकल हो जाने के बाद वो जख्म को सुखाने की मत सोचो। मार लगे ही ना, जख्म हुए ही ना, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये हालात मुल्क के बताए जा रहे हैं, लिहाजा हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर है। आओ जरा और आगे बढ़ते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी लेना, पढ़ो कभी सूरह यूसुफ 12 नंबर का सूरह। इत्मीनान से पूरी सीरत को अल्लाह ने, वाहिद नबी है जिसकी पूरी सीरत को एक ही सूरत में अल्लाह ने रखा है। सूरह यूसुफ पढ़ो, हिम्मत आएगी, ढाल बजेगी इंशाअल्लाह, हिम्मत अफजाई होगी और अल्लाह पर यकीन और कामिल भरोसा होगा इंशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन नुकसान पहुंचाया भाई? आपके भाइयों ने ना, भाई ये मुखालिफत, बाप की ताईद,
यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ढकेल दिया गया, अंधेरा कुआं, लोग उठाए, मिस्र के बाजार में बेच दिया, औरत ने बुरी निगाह डाली, जेल की सबतें बर्दाश्त की। बताया गया भाई तौहीद इतनी आसान काम नहीं है, तुम तो एक आम आदमी हो, हमने नबियों को इस कसौटी पर घस के देखा है, हमने इस कसौटी पर तौहीद की घस के देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी हालात मुश्किल आए, खतरनाक हालात बनाए गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने झेला और मुस्तहकम होकर के मुकाबला किया, हर बात का हर सवाल का जवाब डट करके दिया। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। मिस्र की सरजमीन, अजीज मिस्र की बीवी ने बुरी निगाह डाली, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और अल्लाह ने कामयाबी दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की। अल्लाह ने जब जेल से निकाला, ऐसे ही नहीं निकाला, जाओ आम जिंदगी गुजार लो, कहीं जो है कुछ तिजारत कर लो, कपड़े बेच लो, नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे, छुटने का मामला आया, अब जेल से रिहाई का मामला आया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे वो सजा दे दिए हो मियां कि जिसका मैं कोई कसूर ही नहीं किया, मेरा कसूर कुछ नहीं था, लेकिन सजा मुझे उसकी मिल गई है, अब मैं बदला चाहता हूं। अल्लाह अकबर, है जुर्रत, है जुर्रत। अगर पुलिस स्टेशन से कॉल आ जान दो घर पर, फिर देखना मियां की हालत क्या हो जाएगी, दो मिनट में कितनी हालत बिगड़ जाएगी, कितने परेशान हो जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से फरमान जारी करते हैं कि छोड़ दो, मैं तो एक दिन रिहा होऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस मुल्क का मुझे वजीर फाइनेंस बना दिया जाए, वजीर मालिया। बादशाह ने कबूल कर लिया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई हुई। बड़े मुश्किलों के बाद, कुएं के अंधेरे से निकलने के बाद, मिस्र के बाजार में बिकने के बाद, और फिर अजीज मिस्र की बीवी का जो इल्जाम लगाने के बाद, ये पूरे मुश्किलात का हल निकलने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह जेल से निकाल रहा है। तो वो जेल से जब निकलते हैं तो मुल्क के वजीर फाइनेंस बनकर निकलते हैं और तमाम के तमाम मिस्र का खजाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। ईमान वालों, घबराओ नहीं, हालात तो आते रहेंगे, हालात जाते भी रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, हालात का मुकाबला क्या करना है, एक कुरान मुझे और आपको सिखाता है, जिसको मैं और पढ़ते नहीं है, जिसको मैं और आप मुताला नहीं करते, जिसकी तारीख से ना वाकिफ है हम लोग, जिनके वाकयात से ना बलद है हम लोग। जरूरत है इन हालात के अंदर हर घर में तर्जुमे से कुरान पढ़ने का निजाम कायम किया जाए, हर घर में कुरान पढ़ा जाए, मां बहनों बेटियों को सुनाया जाए, बच्चों को सुनाया जाए, जिनको नहीं आता कुरान सिखाया भी जाए, ताकि ये कुरान मेरे और आपके अंदर एक रूहानी पावर भर दे, एक रूहानी ताकत हमारे अंदर आ जाए इंशाअल्लाह। तो गर्ज कहने का मकसद ये है अजीजाने मोहतरम, दुश्मन आज भी यही कहता है कि ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है, ये ख्वाबे खरगोश और बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े कहा जाता है जनरल जबान में। लेकिन सवाल यह है, तुम्हारा नाम लेकर कहा जा रहा है और तुम है कि चुप्पी साधे हुए हो, कब बोलोगे आखिर, कब उठोगे आखिर, कैसे चलोगे आखिर। याद रखना अजीजाने मोहतरम, इस मुल्क की तारीख के अंदर हम हुक्मरान हैं, इस मुल्क के नौकर नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, इस मुल्क के, इस मुल्क के किराएदार भी नहीं हैं, इस मुल्क के हाकिम हैं हम, हाकिम। जिस वक्त हमारी हाकिमियत लूटने की बारी आई थी अंग्रेजों के 200 साल जिंदगी में, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए किसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, मालूम भी है तारीख कुछ, जानते हो ये तारीख क्या है, नहीं जानते। अजीजाने मोहतरम, बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माए बहने हैं, हमारी तारीख से वाकफियत नहीं है। इस मुल्क की आजादी अगर हुई है तो हमारे खून और पसीने से हुई है, हमारी जायदादों के बिकवाने से हुई है, हमने अंग्रेजों का मुकाबला करके इस मुल्क को फिर से मुस्तहकम किया और ताकतवर मुल्क बनाया। लेकिन कहां है, आज वही अल्फाज दोहराए जाते हैं जो हर नबी के दौर में दोहराए गए थे, और मैं हूं कि बेचारा इतना लागर कि बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी, तिजारत मेरी खराब हो जाएगी, नाम मेरा बदनाम होगा,
कोई और मेरा नाम कहीं ले लेगा, मेरी इमलाक को नुकसान पहुंचेगा, कहीं मैं गुर्बत की तरफ ना आ जाऊंगा, कहीं मेरा खाना पीना तो बंद नहीं हो जाएगा। हमा किस्म के सवालात तुम वक्त के आने से पहले जहनों में जमा कर लिए और फिर दुनिया में दंदनाते फिरते रहे। और आज मामला यहां तक आ गया है कि अब तुम्हारे पैरों के नीचे से जिस चटाई पर तुम बैठे वो खींची जाने वाली है। हालात तो इतने बदतरीन बना दिए गए, लेकिन उसके बावजूद बोलने के लिए हमारी जबानों में लकुनत आ गई, लखमा मार गया हमारे चेहरे पर। कब उठेंगे, कब बोलेंगे आप, कब बताएंगे दुनिया को हकीकत क्या है, कब बताएंगे दुनिया को मेरे नबी की सीरत क्या है, कब बताएंगे इस मुल्क के अंदर के तौहीद क्या होता है, कब बताएंगे कि मुसलमान की शख्सियत क्या होती है, कब बताएंगे कि मुसलमान की ताकत भी क्या होती है। आओ एक आखिरी बात बता दूं, हर मुश्किल के बाद होने वाला यही है कि अल्लाह ईमान वालों को कामयाबी से हमकिनार करने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 570 या 72 साल के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में भेजा, वही जिम्मेदारी दी जो पिछले नबियों को दी गई थी। नूह अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नबी को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नबी को, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नबी को, ईसा अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नबी को, मूसा अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नबी को, जो तमाम अंबिया को जिम्मेदारी दी गई थी वही जिम्मेदारी मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर है, पूरे का पूरा मुल्क और शहर एक तरफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी एक तरफ है, 35,000 के मजमुए को खड़ा करके मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया और कहा कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। आज क्या हो गया तुम्हें, ये कलमा तो दफन होकर के रह गया, दूसरों को बताना तो दूर की बात है, मुसलमान खुद इसका जिक्र करने से दूर हो गया। इल्ला माशाल्लाह, कितना जिक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का सारा दिन में, कभी ये दिल से पूछ लेना। चलते फिरते कितना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इसका जरा दिल से जो है ना पूछ लेना कभी। अफसोस सद अफसोस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर पैगामे दिल नशी पहुंचा रहे हैं, जो आज की साजिशें चल रही है यही साजिशें उस वक्त में भी चली। मेरे नबी को भी ऐसे ही परेशान किया गया, पूरे मुल्क में ढंडोरा पीट दिया गया, ये आदमी हमारे खुदाओं के खिलाफ है, ये आदमी हमारे दीन के खिलाफ है, ये आदमी हमें खत्म करना चाहता है, ये आदमी हमारी हुकूमत को ऐंठ लेना चाहता है, ये आदमी एक बहुत ज्यादा मालदार बनना चाहता है, ये आदमी की हुक्मरानी चाहता है। तमाम तर इल्जाम मेरे आका पर लगाए गए जो आज की हुकूमत लगा रही है हमारे ऊपर, कोई नई बात नहीं है। तारीख से वक्फियत अगर है तो दिल को तसल्ली होती है कि अल्लाह जीते जी मेरे नबी की एक सुन्नत जो मुझसे छूट गई थी पूरी भी हो रही है, हिम्मत भी आती है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम दिल नशी पहुंचाते रहे, एक के बाद दिगर इस्लाम की आगोश में लोग आते रहे, मुसलमानों की तादाद मक्के की सरजमीन पर बढ़ती रही। अब जब तादाद बढ़ गई मुसलमानों की, दुश्मन ने क्या किया, इस्तकबाल किया, आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की नहीं। उस वक्त का सबसे बड़ा दहशतगर्द अबू जहल मुसलमानों के खिलाफ जुमले कसने से नहीं जो है रुकता था। उस वक्त एक था वो दहशतगर्द इस्लाम का दुश्मन जो इस्लाम और नबी और कुरान और मुसलमानों के खिलाफ जुमले कसा करता था। आज की इस पुरानी हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे अबू जहल पैदा हो गए जो अपनी जबानों को दराज करते हुए कभी कुरान पर रिमार्क लगाते हैं, कभी मस्जिद को दहशतगर्दी के अड्डे बताते हैं, कभी मुसलमानों को इस मुल्क से खारिज करने की बात करते हैं, कभी उलमाओं को जेल की सोबतें बर्दाश्त करने की बात करते हैं। वही अल्फाज, वही अंदाज, तरीकेकार बदल गया।
गर्ज कहने का मकसद यह है जिदाने मोहतरम, इन हालात में सहाबा कराम ने क्या किया, इन हालात में मेरे नबी ने क्या किया, आज वही सीरत को मुझे और आपको दोहराना, दूसरा काम कुछ भी नहीं है। गौर करने की बात है, क्या उन हालात के अंदर आप एक वाकया दो वाकया ला करके तो बता दीजिए कि अरे हालात बड़े कर्बनाक थे, अरखम बिन अरखम के मकान में नबी जमा थे, सहाबा कराम को बुलाकर चर्चे कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, अरे देखो उन्होंने आज ऐसा बोले कहते, आज उन्होंने ऐसा करे कहते, अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम नहीं था सहाबा कराम का। यह सीरत में, सीरत रसूल में भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ढारस बना रहे थे और कह रहे थे याद रखना है मेरे साथियों, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यह कौम हमें कबूल करे बगैर इनके पास चारा भी नहीं रहेगा। हालात बदलते रहे, 13 बरस तक अल्लाह के नबी को सताया गया, 13 बरस के बाद हिजरत हुई, मदीने की सरजमीन पर नबी, सहाबा कराम की सारी जमात नबी के साथ मदीने की सरजमीन पर, हालात बदलते रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाद दिगर सहाबा को मिलाते रहे, खस्बे खस्बे आकर ईमान के आगोश में पनाह लेते रहे, और ज्यादा दूर की बात नहीं थी, 10 साल का अरसा था। बात गौर से समझना, कुछ जुमले होते हैं जिसको समझने की जरूरत भी है, जिसका खुलासा करना भी जरूरी नहीं है, जिसका खुलासा करना भी जरूरी है। 10 साल का अरसा गुजरा, 10 साल के अरसे के बाद जिस मक्के से बेइज्जत करके निकालने की प्लानिंग की थी लोगों ने, जिस 10 साल पहले जिन जालिमों ने मेरे नबी को मजबूरन मक्के से निकाला था, सहाबा को तकलीफें दी गई थी, उनकी जिंदगियों को अजीरन कर दिया गया था, लेकिन मामूली 10 साल के अरसे में अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने सिर्फ काबे का इहाता ही नहीं, पूरे मक्के को नबी के कदमों में डालकर देकर के कहा है, मोहम्मद आपसे अच्छा आदमी इस मुल्क को चलाने के लिए नहीं मिल सकता। और यहां पर भी 10 साल मुकम्मिल होने जा रहे हैं, यहां पर भी 10 साल मुकम्मिल होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, गम मत कीजिए, सुस्त मत होइए, हिम्मत मत हारिए, अल्लाह हमें गालिब करने का जो है ना फार्मूला दे चुका है, बशर्ते के मोमिन बन जाओ, अल्लाह के चाहने वाले बन जाओ। और फिर अल्लाह ने इस्लाम की वो शक्ल सूरत दुनिया के सामने पेश की कि नबी के गुजर जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के खिलाफत के बाद उमर बिन खत्ताब जब खलीफा बनते हैं तो बर्रे आजम अफ्रीका इस्लाम में, अमेरिका और यूरोप इस्लाम में, तम ईरान इस्लाम के अंदर 24 लाख मुरब्बा गज का एक खलीफा तस्लीम करके तमाम के तमाम मुल्कों के शहरों के अंदर इस्लामी परचम लहराने लगा था। हर मुश्किल के बाद आसानी है, याद रखना इस बात को। आदत पड़ गई है हमें अच्छे अच्छे निवाले खाने की, आदत पड़ गई है हमें अच्छे अच्छे लिबास पहनने की, आदत पड़ गई है हमें बड़े बड़े शादी खानों में अपने बेटे बेटियों की शादियां करने की। हर मुश्किल के बाद एक आसानी है, याद रखना इस बात को। और दुश्मन अंधा होता है, दुश्मन बहरा भी होता है, दुश्मन गूंगा भी होता है। सवाल यह है कि ईमान वाले की आवाज इतनी गरजदार होनी चाहिए, इतनी गरजदार होनी चाहिए कि अंधों को आंख मिल जाए, बेजुबान को जबान मिल जाए, बहरों को सुने भी आने लगे कि नहीं अभी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने वाली हैं, अभी है अल्लाह अकबर की सदा इस मुल्क के अंदर। इतना आसान नहीं है हमारा नामो निशान मिटाना। गर्ज कहने का मकसद यह है अजीजान मोहतरम, आओ इस्लाम की तरफ, बता दो हमारी एकजहती क्या होती है, हमारा इत्तेहाद क्या होता है, हमारी मोहब्बत क्या आती है, हम मुल्क से कैसे मोहब्बत करते हैं, हमारे आका ने मुल्क से मोहब्बत करने का जाविया क्या मुकर्रर किया है, अल्लाह की जात क्या है, वह कैसे मुश्किलात का हल निकालता है। कुरान पढ़ के जो है ना बताने की जरूरत है कि कुरान कैसे हमारी सीरत को बयान करता है, नबी की सीरत को बयान करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आखिरी अल्फाजों के अंदर कि इतने सारे हालात हमारे बदल गए, इतने वाकयात हमारे तब्दील हो गए। फजर की नमाज में कितने लोग आते हैं भाई, कितने आते हैं,
नहीं उठ सकते आप उठेंगे नहीं, बिस्तर छोड़ेंगे नहीं, लिहाफ उतारेंगे नहीं, ठंडे पानी से वजू बनाएंगे नहीं, नींद खराब करेंगे नहीं, मस्जिद में आएंगे नहीं, दो रकात नमाज पढ़ेंगे नहीं, मेरी मुश्किलात का सारा हल निकल जाना मुमकिनात में से नहीं है, मुमकिनात में से नहीं है। आओ एक नुस्खा बयान करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। अगर ऐसा बैठे बैठे तमाम मुश्किलात का हल हो जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्स नफीस 180 किलोमीटर का रास्ता आज सड़कें बनाए जाने के बाद मक्के से बदर तक 180 किलोमीटर का रास्ता। आज आपके पास गाड़ी अगर है तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं वहां की रफ्तार के हिसाब से, लेकिन इस रफ्तार को देखना हो तो 1450 बरस पहले जाना पड़ेगा, जहां पैदल थे, ऊंट थे और घोड़े थे, या खच्चर की सवारी या पैदल की सवारी। 180 किलोमीटर का रास्ता मेरे नबी ने तय किया एक मुश्किल के हल के लिए। आपको भी सिखाया जा रहा है, ये आपको भी बताया जा रहा है इस सीरत के जरिए से। मुश्किलात का हल निकालना चाहते हो अपने मुकाम से निकालो, अगर अपने मुकाम से मुश्किल नहीं होती तो मुकाम बदल के मुश्किल का हल निकालो, बताया जा रहा है तुम्हें। उसके बाद जब बदर में आ गए और बदर के एक मुकाम पर जहां आज उस जहां मचान डाली गई थी मेरे नबी के लिए, जहां सज्जा बनाया गया था मेरे नबी के लिए, आज वहां पे एक आलीशान मस्जिद तामीर कर दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जाना हुआ तो सिर्फ मक्के में 8 दिन, मदीने में 7 दिन, बाकी के तारीखी मुकामात से कोई हमारा लेना देना भी नहीं है। कहां मेरे नबी को पत्थर मारा गया था, कहां मेरे नबी को भूखा रखा गया था, खंदक की जंग में मेरे नबी ने क्या परेशानी उठाई थी, इन मनाजिर को कभी देखा है अपनी आंखों से? बहुत सारे पैसे हैं, ये सोचकर पैसे हैं कि भाई G+1 तो बन गया है, ऊपर का किराया तो आ रहा है, नीचे का घर बस है, G+2-3 डाल दिया तो और किराया आता जरा। अरे वो घर नहीं बना के मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, जाओ मक्के और मदीने का सफर करके आओ उस मुल्क का, तुम फिर देखना वहां पे क्या क्या तुमको मिलेगा, ईमान की ताजगी मिलेगी। अब मुद्दे की बात है, तुम फजर को जो है मस्जिद में आ नहीं सकते, नमाज पढ़ नहीं सकते और मुश्किलात का हल ढूंढ नहीं सकते। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम पर है, दुश्मन बड़ा चालाक और तेज और तर्रार तमाम तर हथियारों से साजो सामान के साथ है, मेरे नबी के सहाबा निहत्ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मचान के नीचे आए और नमाज को खड़े हो गए, और फिर नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज मेरे नबी ने पढ़ी, और फिर जब सजदे में गए तो सजदे में अपने रब से मुश्किलात का हल मांग रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह ये निहत्ती जमात है जी, ये छोटी है ना, कमजोर भी है ये, अगर ये हार जाएगी अल्लाह कोई नाम तेरा लेने वाला नहीं रहेगा। कहां मांग रहा है मेरा नबी? नमाज की हालत में सजदे में जाकर मांग रहा है मेरा नबी, और उम्मत की फिक्र में मांग रहा है कि इस उम्मत को कामयाब कर देना। अल्लाह हू अकबर। मेरे नबी को जरूरत पड़ गई मुश्किल के हल की तो नबी सजदे में नमाज में जाकर जो है मुश्किलात का हल तलाश कर रहे हैं, और ये उम्मत ऐसी नबी के चाहने वाली है जो बगैर सजदे के मुश्किलात का हल ढूंढ रही है। मिलेगी तुम्हें नहीं, और मुश्किलात बढ़ जाएंगे, याद रखना इस बात को। गर्ज कहने का मकसद यह है, हालात बड़े कर्बनाक हैं, हालात बड़े मुखालिफ जा रहे हैं, अभी मुआफिकत में आने के लिए 2-4 साल दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के मुझे और आपको कुछ आसानी और आराइश मिल सकती है। हालात तो बदतरीन कर दिए गए, बना दिए गए इस मुल्क के। अब तक आपकी जायदादें खतरे में थी, अब आपकी शख्सियत खतरे में है। सोच लीजिए, अब आपके हाथ में है, मैंने हिम्मत करके बहुत सारी बातों को आपके सामने की रखने की जरूरत की। अब आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा क्या था और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें आपको जो है ना सबक मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस इल्तिमास है, यही है गुजारिश कि अपने घरों में कुरान की तालीम का निज़ाम बनाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अस्तग़फिरुल्लाह दिन में कसरत से बेदरीक पढ़ना शुरू कर दो, तब जाके मेरा रब हमारी दुआओं को कबूल करेगा और ये मुश्किलात को जो है ना दूर करेगा। फिक्र मेरी ये रहती है हमेशा, मेरे पास भी जो है ना बीवी है मेरी, बेटियां हैं मेरी, पोतरे नवासे हैं मेरे, मैं ये सोचता हूं अपने तौर पर
कि मैं गलती करा हूंगा, मेरे नवासे को क्यों कत्ल किया जाए, मेरी नवासी की इज्जत क्यों लूटी जाए, मेरी बेटी को सरेआम नंगी करके रोजों पर क्यों भगाया जाए। मेरी फिक्र तो यह रहती है कि मैं ताकतवर बन जाऊं आज, ताकि मैं इन तमाम की जिंदगियां बच जाए इंशाल्लाह। आप भी यही सोचिए, आप भी यही सोचिए, वरना जेनिसाइड होने में ज्यादा देर नहीं है। यह भी कह रहा हूं मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जेनिसाइड होने में देर नहीं लगेगी। सेम म्यांमार के हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा कर दिए गए और किसी वक्त भी तुम्हारी नस्ल कशी हो सकती है। और क्या बोले इससे ज्यादा, बातें बहुत हैं, वक्त नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहु हम तमाम को एक बनाए और नेक बनाए। या अल्लाह, जो डर और खौफ के माहौल में हम जी रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तुझसे डरने वाला बना मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, जैसा तेरे से डरने का हक है वो डर हमारे सीनों में पैदा कर दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह, हम इस्लाम इस मुल्क का एक हिस्सा है मेरे गफूर रहीम, उस हिस्से को काटने की जुस्तजू चल रही है, फिक्र चल रही है। या अल्लाह, तू अपने फजल और करम से इस्लाम की लाज को बचा ले मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमारी बेटियों की किस्मतें तार तार होने से बचा ले मेरे अल्लाह। या अल्लाह, हमारे मासूमों पर जुल्म होने से बचा ले मेरे अल्लाह। इस मिल्कियत को मैंने खून पसीना बहा करके बनाया है अल्लाह, उसको नुकसान होने से बचा ले मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मसाजिद को वीरान होने से बचा ले अल्लाह, मदारिस को टूटने से बचा ले अल्लाह। हुफाज की तादाद में इजाफा फरमा अल्लाह, उलमाओं की तादाद में इजाफा फरमा अल्लाह, मोजनीन की हिफाजत फरमा अल्लाह, इमामों की हिफाजत फरमा अल्लाह, दावियों की हिफाजत फरमा अल्लाह। इस मुल्क में होने वाली हर साजिश को अपने रहमत और अपने फजल और करम से खत्म फरमा मेरे पाक परवरदिगार। इस्लाम का बोलबाला फरमा मेरे पाक परवरदिगार। शिर्क का खातिमा फरमा मेरे पाक परवरदिगार। जो साजिशें कर रहे हैं अल्लाह, उनकी साजिशों को उन पर उलट दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, जो मुखालिफतें कर रहे हैं, मुखालिफतों को उन पर उलट दे मेरे पाक परवरदिगार। मस्जिद से पांच वक्त की अज़ान को हमेशा बुलंद फरमा मेरे गफूर रहीम। हमारे माँ बाप की खिदमत करते हुए जन्नत में जाने वाला बना मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, एक है तो उनकी खिदमत करके जन्नत में जाने वाला बना दे अल्लाह। किसी वजह से उनकी खिदमत नहीं कर सके, दोनों भी इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे मेरे पाक परवरदिगार। अरवट करवट उन्हें चेहरों सुकून अता फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारे सदका खैरात को कबूल फरमा, हमारे जिक्र अस्कार को कबूल फरमा, हर रुकू और सजदे को कबूल फरमा। या अल्लाह, हर नेक काम को कबूल फरमा, तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वलहम्दुलिल्लाह। मजीद उलमा और मुकर्ररीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।